फुल वसूल 10 रुपया वाला हवा वाला लेस आज फुल हवा में है। ये देखो फ्रेंड्स, ये पत्थर कैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है कि जैसे ये घर है किसी का। ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का ये घर है क्या भैया जी। और अभी यहाँ से पांग 8 किलोमीटर है और लेह 180, 5.5 घंटे 4 घंटे की रास्ता से ज़्यादा ही है अभी समझ। तो खैर एक बार अच्छी रोड है तो ये डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। खैर रोड पे काम भी चल रहा है बीच बीच में। फाइनली वी आर क्रॉसिंग पांग। तकरीबन टाइम हो गया भाई 9:37। पांग पार किया और यहाँ से 4 घंटे 31 मिनट का रास्ता दिखा रहा है लेह का। 1 hour later फाइनली फ्रेंड्स हम लोग लद्दाख प्लेन्स पे चल रहे हैं और ये देखो भाई पूरा दूर दूर तक बंजर इलाका भाई पूरा। और भाई ऐसा लग रहा ना कि जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर। वहाँ देख रहे हो, वहाँ तक जहाँ तक नजर जाएगी ना वहाँ तक कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ मिट्टी के। और फाइनली अच्छी रोड हमें मिल गई है यार, अब हम अपनी गाड़ी को अच्छे से क्रूज कर सकते हैं ईजिली। दूर दूर तक एकदम कुछ नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई पेड़ पौधा ही भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से ले है भाई 179। अब यहाँ से होगी डबल लेन रोड और अच्छी रोड। हम लोग थोड़ा भी हल्के होने उतरे थे लद्दाख प्लेन्स पे। देख रहे हो भाई दूर दूर तक भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक भाई देख रहे हो कुछ नहीं है भाई। तो भाई बड़ा अच्छा लग रहा है यार। बहुत सुनसान इलाका है भाई। तो चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग तंगलंगला पास की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग है तंगलंगला। हम वहाँ नीचे से आए थे और अभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और गूगल मैप के हिसाब से हम तकरीबन 1:50 पर लेह पहुँच जाएंगे। और लेह यहाँ से 116 किलोमीटर है और यहाँ से आपका रूम 3040 है, पता नहीं क्या नाम है। अभी अभी ऊपर चढ़ते चले जाएँगे। अगेन एक और पास आ गया, आई थिंक 4 या 5 पास है हमारा। अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रखे हम 60 की स्पीड में चल रहे हैं 4थे गियर पर। अभी हम वहाँ नीचे से आए थे उधर से। 1 hour later. Friends, we are reached Tanglangla. Altitude है 17,582. भाई, I think अपना ये पांचवा पीक होगा भाई. So, एक फोटो यहाँ पर देख रहे हो अपनी गाड़ी भाई. गाड़ी ऑफ नहीं करूँगा मैं पहाड़ पर यार. पता नहीं फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आ गई इसलिए.